उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है और अधिसूचना कल जारी हो गई है और इस बार हम लोग जो है 17 के 17 नगर निगम चुनाव जीतेंगे और नगर पालिकाओं में भी पहले के अपेक्षा, पहले हम लोग 160 जीते थे 200 में, इस बार 200 के 200 जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने शाम में बैठक भी बुलाई है आप लोगों की, शाम 5 बजे बैठक होनी है, संगठन के लोग भी रहेंगे, सरकार के लोग भी रहेंगे, क्या रणनीति बनाई जाएगी चुनाव में, टिकटों पर मंथन किया जाएगा आज? देखिए, टिकटों पर आज विचार नहीं होगा, लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबको प्रभारी बनाया गया है, एक एक नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, उन लोगों पर विचार विमर्श होगा कि कैसे उसको, कौन किस नगर पालिका को देखेगा। जैसे हम ही मंत्री हैं, मंत्री के रूप में मेरे पास 2 जिले हैं, उन्नाव भी है, देवरिया भी है, उसके बाद संगठन में भी 2 था हमारे पास, आजमगढ़ और फिरोजाबाद, तो कौन किसको कहाँ देखेगा इसके बारे में भी आज, क्योंकि महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें रहने वाले हैं, तो हम लोग की पूरी तैयारी है, बूथ स्तर तक हम लोगों की तैयारी है, तो जो भी चुनाव होगा हम लोग हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, कोई क्योंकि और पार्टियां केवल चुनाव में आती हैं और हम जो है वर्ष भर हम लोग काम करते ही रहते हैं। आप चुनावी मोड में रहते हैं लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रही है, अभी पहले कांशीराम और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती मनाने के लिए अखिलेश यादव महू जा रहे हैं मध्य प्रदेश उनकी जन्मस्थली पर। ये अखिलेश जी अपनी जगह छोड़ करके हर जगह जा रहे हैं, वो कलकत्ता जा रहे हैं, वो तेलंगाना जा रहे हैं, वो जो है मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जहाँ पर अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके लिए अब जगह नहीं बची है तो वो बाहर में ही अपनी यात्रा कर रहे हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं, अरे काशीराम जी की पूरी पार्टी के साथ समझौता करके चुनाव लड़ करके देख लिए हैं, 2019 में सपा और बसपा एक थी, उस समय मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए, तो अब तो मोदी जी की सुनामी बह रही है, उसमें बह जाएंगे। एक सवाल ये था कि शिवपाल यादव ने कहा कि आप लोग बेईमानी भी कर लेते हैं चुनाव में, छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं कहीं गड़बड़ियाँ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, ये बात कही उन्होंने? शिवपाल जी ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शिवपाल जी की पार्टी क्या करती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, वो भाजपा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं नज़दीकी, कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या बात नहीं बन पाई उनको, आप अपने पाले में नहीं ला पाए? नहीं, नगर पालिका के चुनाव वो पहले ही कहते थे कि वो अपना अलग लड़ेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो सहयोगी दल हैं वो हमारे साथ लड़ेंगे, और ये नहीं कि वो आगे क्या करेंगे, वो आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम देखेंगे, तो हम ले आएंगे आप लोग, पूरा बातचीत कंप्लीट है? नहीं, लोकसभा में हम क्या लाएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, वो उनसे बात करते हैं सीधे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अमित शाह जी से उनकी खुद वार्ता होती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दयाशंकर सिंह जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरे के पूरे नगर निगम इस बार इस चुनाव में जीतेंगे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।